हेलो गाइस, मैं हूं शाहरुख और मैं लेकर आ गया हूं मोटो जी 8 पावर लाइट का अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है इस फ़ोन में ख़ास इसी बॉक्स के साथ। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। चलो स्टिकर को निकालते हैं और अब इसका जो बैक साइड है वो देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि 5000 mAh की बैटरी है इसमें और 16.5 सेंटीमीटर मैक्स विजन डिस्प्ले है, प्लस 4GB 64GB वेरिएंट का जो है हमारे पास ये फ़ोन है। साइड में आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइसिंग है वो 9999 है, लेकिन फ्लिपकार्ट सेल पे ये हमें मिला है 8999 का। और ये जो कलर है हमारे पास वो है आर्कटिक ब्लू, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए आर्कटिक ब्लू। और चलिए तो फिर हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इधर सील को इसका बलात्कार करते हैं और देखते हैं, खोलते हैं। ओके, साइड पे भी है, ये दोनों भी हम ओपन करते हैं और इसके बाद दूसरी साइड को ले लेते हैं हम। अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। और ये टिपिकल मस्त दिखने वाला फ़ोन है हमारे हाथ में और इसका बैक कुछ कवर चढ़ा हुआ है और बैक भी बेहतरीन है। इसको साइड पे रखते हैं, अंदर की स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ये एक टिपिकल चालू चिल्लर बोल सकते हैं स्क्रीन गार्ड है और ये कुछ ज्ञान की बातें, मोटोरोला की तरफ से इंस्टॉलेशन वगैरह, सिम इजेक्टर टूल और चार्जर। चार्जर को हम देखते हैं, आई डोंट थिंक कि इसमें जहाँ तक है फास्ट चार्जिंग होगी, लेकिन देखते हैं क्या है इसका। इसको लगता है, मेरे को ये दिख नहीं रहा है, मुझे इसको खोलना ही पड़ेगा। चलो खोल ही देता हूँ, फाइनली खोल के देखते हैं कितने आउटपुट वाला चार्जर है। और ये है लाइक देखना 5 वोल्ट। ओके, नॉर्मल चार्जर है 5 वोल्ट की चार्जिंग के साथ 5.2। ओके, आप लोगों को शिट नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। देखो मैं दिखाता हूँ थोड़ा ध्यान से। ओके, और ये है केबल, वही है नॉर्मल टाइप सी केबल होती तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी बेटर है, हैंड्स फ्री हमको नहीं मिलती इस फ़ोन में। तो चलो अब बॉक्स को साइड पे रखते हैं, ये सारे मैनुअल्स को उठाते हैं, इसको साइड पे रखते हैं और फ़ोन को जो है हम बहुत ही आराम से पहले इसका कवर निकाल लेते हैं ताकि इसका कलर आप लोगों को देखने में आए कि किस तरीके का इसका कलर है। ये हम थोड़ा जो इसका IMEI है वो भी निकाल देते हैं। निकल नहीं रहा है यार, निकल निकल निकल। ओके, तो ये हमने निकाल दिया है और प्रीमियम फिनिश वाला जो इसका लुक है काफ़ी शाइन मारता हुआ है। मतलब यहाँ पे जो है नॉर्मल एक ही लाइट जल रही है, स्पीकर वगैरह सब बेहतरीन दिख रहा है, प्लास्टिक केस है आई गेस पीछे का। और आगे तो फ़ोन मतलब जाता वजन नहीं है और वॉल्यूम रॉकर जैसा कि आप राइट साइड पे देख सकते हो, वॉल्यूम रॉकर बटन है और लॉक अनलॉक बटन है, ठीक है। बैक साइड प्राइमरी कैमरा है जो कि 3 कैमरे हैं और नॉइस कैंसलेशन के साथ है, फिंगरप्रिंट भी है, ग्लॉसी लुक है, शेड में है और स्पीकर है। नीचे माइक्रो USB का पोर्ट है और एक माइक्रोफोन। राइट साइड पे सिम इजेक्टर टूल है, चलो हम सिम इजेक्ट करके भी देखते हैं। ये जो हमारे को बॉक्स में मिला था उसी से हम इसका उद्घाटन करेंगे, देखते हैं इसमें हाइब्रिड है या फिर कौन सा डेडिकेटेड है। मेरे ख्याल से तो डेडिकेटेड ही होगा क्योंकि ऐसा मेंशन किया हुआ है। और ये क्या, फ़ोन अपने आप ही ऑन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ चला सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और चलो देखते हैं, हम इसको निकालते हैं, नीचे से निकलेगा, नीचे से दिया हुआ है। ओके, इसको रिमूव करते हैं। आ हा हा हा, हाय देयर, ये लिख के आ गया है टिपिकल मोटोरोला की स्टाइल में। और स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी एकदम एट्रेक्टिव है इस प्राइस रेंज में, मतलब वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये रोटेट कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। आप और अब हम इसी तरीके से देख लो क्योंकि मुझे इसको फिर से बहुत सारा टिपिकल UI मर्ज वगैरह जो है फंक्शन है, काफ़ी फास्ट है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ बेटर है इसमें। आपको देखा जाए तो सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर राइट साइड पर मिल जाता है, प्लस बैटरी देखा जाए तो इसमें 5000 mAh की बैटरी आपको मिलती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, बड़ी है, मेरे हिसाब से यस ये काफ़ी अच्छी है एक गेमिंग के लिए या फिर कुछ देखना वगैरह हो तो उसके लिए बेहतरीन है।
और यहाँ पे हमने हमारा जियो का कार्ड डाला हुआ है। अब हम इसको जो है ऑल नेटवर्क पे एनेबल करते हैं और एडवांस पे जाके 4G रिकमेंडेड और सारे जो इसकी कंपनी की सेटिंग है उसको हटा के हम हमारी सेटिंग डालेंगे जिससे कि इंटरनेट और फास्ट चलेगा। तो ये सेटिंग भी आप लोग ध्यान से देख लो, जिसको नहीं पता हो तो वो डाल ले अपने फ़ोन में, ठीक है। कैपिटल में जियो, 4G सॉरी जी ओके, और APN जो है ये फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में था उसको आपको स्मॉल में करना है, जियो नेट, और स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पे जो बियरर टाइप है, ये जो बियरर टाइप है उसको आपको LTE सिलेक्ट करके ओके दे देना है और यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्ली सेव हो चुका है। बैक आते हैं हम और जानते हैं और क्या है। ओके, मेमोरी इसमें देखते हैं तो आपको 4GB में से 2.2GB बाय डिफ़ॉल्ट फ्री मिलती है एवरेज, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, 4GB 64GB अच्छे प्राइस रेंज में मिल चुका है फ़ोन, मतलब 9000 में क्या ही बताएं, सब कुछ बढ़िया ही है। सिर्फ इसका जो प्रोसेसर थोड़ा सा और अच्छा होता तो क्या बात थी। डिस्प्ले देखा जाए तो डिस्प्ले भी बहुत ही सही है और डिस्प्ले ब्राइटनेस अगर मैं फुल करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम थोड़ा कम ही रखते हैं ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। इसमें नाइट मोड वगैरह फीचर्स मिल जाते हैं और इसके अलावा और कोई ये रहे जो बाकी के अगर आपको चीज़ें चाहिए तो इसमें वाईफाई है, डू नॉट डिस्टर्ब है, बैटरी सेवर का ऑप्शन है, ऑटो रोटेट का है, प्लस नाइट मोड, सिस्टम अपडेट, ये सारे हैं। अगर आपको यहाँ से इसको किसी की भी चीज़ को ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना था, आप इस तरीके से करके और बैक आ सकते हैं, तो ये इधर ऐड हो गई। तो अब यहाँ से जब भी मुझे किसी को हॉटस्पॉट देना होगा तो डेफिनेटली एक ही क्लिक में मैं दे सकता हूँ। और यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन का एक अलग से फीचर दिया हुआ है जो कि अभी हमने ऑन कर दिया है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही था। तो ये था कुछ इस तरीके से हमारा जो मोटो G8 लाइट पावर लाइट। और जहाँ तक कैमरे की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें, ओके, कैमरे में आपको अलग अलग तरीके के फीचर्स मिल जाते हैं, मैक्रो शॉट से लेके सारे। और मैक्रो शॉट हम देखते हैं, ओके, कितना जूमिंग तक होता है ये मैक्रो शॉट, लेट्स टेक अ लुक। ओके, तो काफ़ी या अच्छा क्लिक कर रहा है। ये कुछ सैंपल जो मैंने अभी आपके सामने क्लिक किया है, तो क्लियरिटी वैसे डिटेलिंग वाइज देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। फ्रंट कैमरा अगर हम चालू करते हैं तो देखते हैं कैसा है इसका फ्रंट कैमरा। ओके, कुछ इस तरीके से है हमारा फ्रंट कैमरा और ये मैंने जुगाड़ लगाया है एक्चुअली। और चलिए ठीक है, ये इस तरीके से है। ओके, ठीक है, तो फिर और क्या देखना था हमको, चलिए साउंड टेस्ट भी कर ही लेते हैं। इसका साउंड सिस्टम देखते हैं, तो देखा आपने साउंड भी बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ से है काफ़ी लाउड है, साउंड काफ़ी लाउड है यस, ताकि अगर आप पबजी वगैरह इसमें खेलते हो। ओके, पिंच टू जूम ऑप्शन अवेलेबल है इसमें भी। बहुत वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है लेकिन मेरे को ये फ़ोन चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और इसकी वीडियो क्लियरिटी भी देख लेते हैं, 4K वीडियो टेस्ट करते हैं कैसा दिखता है इसमें। बिना साउंड के करना पड़ेगा नहीं तो लोचा पड़ सकता है कॉपीराइट के। ओके, 480 तक का अभी जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो देखिए आप लोग
विविन एंगल्स काफ़ी डिसेंट लग रहे हैं, अच्छे भी दिख रहे हैं, और कलर क्वालिटी अभी जो कि ब्राइटनेस बहुत कम है, और अगर मैं फुल ब्राइटनेस पे देखूं तो ये देखिए एकदम क्लीन व्यू है हर जगह से। तो इस प्राइस रेंज में ये मिल रहा है तो काफ़ी बेटर मैं कहता हूँ चल रहा था। मतलब ये कंपैरिजन ऐसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है लुक वाइज कलर वाइज। ये प्लास्टिक है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी नया हूँ लेकिन कोशिश यही है कि अभी अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह बनाऊं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर कर देना, और किस फ़ोन के बारे में किस फ़ोन का आपको अनबॉक्सिंग या फिर इस पे पबजी टेस्ट देखना हो तो मुझे बताना, तो मैं वो भी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए गाइस थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज़ SRK साइनिंग ऑफ। थैंक यू।